फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के बेक्ड ब्रेड रोल्स। तो चलें चलते हैं अपने किचन में और जल्दी से बनाते हैं ये ब्रेड रोल्स। तो सबसे पहले हमने बनाना है बैटर, जिसके लिए हमें चाहिए है बॉइल्ड चिकन। चिकन बॉइल करते हुए आप उसमें गार्लिक क्लोव्स यानी के लहसुन की तूरियाँ 2-3 डाल लें और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और लौंग डाल लें। इस तरह चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी। और हमें चाहिए बारीक कटी प्याज, अनियन लेंगे हम छोटे साइज का, हम लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून बटर, 1/2 टीस्पून हम लेंगे पिसी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर और हम लेंगे 1/4 से 1/2 टीस्पून नमक हसबे जायका। तो सबसे पहले हम चिकन को श्रेड कर लेंगे, इस तरह से रेशे कर लेंगे। तो फ्राइंग पैन में हम बटर ऐड करेंगे, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, सौते करेंगे। प्याज को हम गोल्डन व्हाइट ही रहने देंगे, आपने ब्राउन नहीं करना। ये गोल्डन व्हाइट सा हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, श्रेडेड चिकन। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे नमक, काली मिर्च और सोया सॉस और इसको हम अच्छे से 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो चिकन बैटर तैयार है। बैटर को हम पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमें चाहिए हैं ब्रेड स्लाइसेस, मोजरेला चीज एंड स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न का टिन ले लें और तकरीबन 1/2 टिन लगेगा। सबसे पहले हम बॉर्डर अलग कर लेंगे, आप विदाउट बॉर्डर वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। और ये हमने बॉर्डर्स कट कर लिए हैं। तो अब रोलिंग पिन की मदद से हम इन ब्रेड स्लाइसेस को फ्लैट कर लेंगे, बिल्कुल पतला सा। ये देखें, इस तरह से हमने फ्लैट कर लिया है। और एक इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई, हम केचप भी यूज करेंगे। तो इसको फ्लैट करने के बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे केचप। तो ये हमने केचप लगा ली है। सबसे पहले हम मोजरेला चीज इस तरह से ऐड करेंगे और इस पे हम बैटर ऐड करेंगे। थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे स्वीट कॉर्न, अगेन स्प्रिंकल करेंगे हम चीज और अब हम इसको रोल कर लेंगे। बहुत एहतियात से आपने रोल करना है, बस आपको मटेरियल बाहर नहीं जाना चाहिए, बाकी चीज की वजह से सब जुड़ जाएगा। तो इसी तरह हम बाकी ब्रेड्स के भी रोल बना लेंगे। तो ये मैंने सारी ब्रेड स्लाइसेस के रोल्स बना लिए हैं। अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स और हमें चाहिए है मेल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने। ब्रेड क्रम्स में हम ऐड करेंगे ओरेगानो और मिक्स्ड हर्ब्स, मिक्स कर लेंगे। तो 1-1 टीस्पून मैंने दोनों का ऐड किया है। तो अब हम करेंगे कोटिंग। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस को डिप करेंगे बटर में सारी साइड से अच्छी तरह और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने ब्रेड रोल को रेडी कर लिया है। साइड्स हमने बंद नहीं की हैं क्योंकि मैं कर रही हूँ बेक, और इसी तरह हम बाकी ब्रेड रोल्स तैयार कर लेंगे। और ये देखें जी, हमारे रोल्स तैयार हैं। अब हमने इनको करना है बेक। बटर पेपर लगाकर आप बेकिंग ट्रे में इनको रख लेंगे। आप इन रोल्स को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने के लिए आपने बटर की जगह एग यूज करना है और आपने साइड्स बंद जरूर करनी है। और ये देखें जी, बहुत ही मजे के क्रिस्पी एंड यमी हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हैं।
अब मैं इनको डिश आउट करूंगी, तो मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।